कैसे हो? लास्ट टाइम अपन ने क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट करंट डेंसिटी। जो अपन ओम का लॉ अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, उसके लिए करंट डेंसिटी निकल के आती है। तो वो करंट डेंसिटी क्या होती है वो सुनो ध्यान से। पहले अपने पास एक कोई भी पंप है, ये बड़ा पंप आपको दिख रहा है, ये यहां से थोड़ा सा छोटा कर दिया अपन ने, यहां से जाकर थोड़ा सा और छोटा हो गया। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है I1, इस एरिया में हो रहा है I2 और इस एरिया में हो रहा है I3। इसका A1 हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका A2 हो गया, इसका हो गया A3। करंट है डेंसिटी, इसमें ये वेक्टर निकल के आता है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है वो सुनना ध्यान से। जैसे अपने पास एक पंप है, वो पीछे से थोड़ा सा सकड़ा है, आगे से थोड़ा सा चौड़ा हो गया, आगे से थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो पानी बह रहा है उसमें। तो यहां इसका जो फ्लो वाटर है वो कम डिस्टेंस में बह रहा है, यहां उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसका मतलब दिमाग में एक चीज आती है कई बार कि इसमें मैं तीन कंडीशन लिख रहा हूँ, उसमें से तीन कंडीशन में से कौन सी सही है, कौन सी रॉन्ग है। I1, I2, I3 है। I1, I2, I1 less than, I2 less than, I3 है। I1, I2 और I3। इसका मतलब इसमें से कौन सा सही है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, ये आपको सोचना है। देखिए अपने पास एक होता है एरिया और एक होता है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। मैंने काफी टाइम आपको पहले लेसन दूसरे लेसन में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन में। तो इसमें जो करंट का फ्लो यहाँ I1 है, यहाँ I2 इस एरिया में यहाँ से आता है, यहाँ से आता है I3 है। तो इसमें कंडीशन कौन सी लगती है, मान लो जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिए, इनकी डिस्टेंस कम है तो ये पास पास होंगे, इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी सी दूरी में होंगे, और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो ये दूरी में होंगे। है तो अपने पास 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे एरिया थोड़ा सा और भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो ऑफ करंट है, मतलब जो पानी के बहने की दर है, फ्लो ऑफ वाटर तो सेम ही है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, पानी तो बह रहा है उसमें, लेकिन उसका एरिया चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, करंट इक्वल रहेगा। तो इसको अपन आई ले सकते हैं, इसको आई ले सकते हैं, और इसको भी क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। तो इसमें तीसरी कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो करंट डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। ये वाला अपने पास एक रदर है, करंट अपॉन एरिया है, ये वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में आएगा, या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में अपन ले लेते हैं, आपके सामने या देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इसमें दूसरा वाले कंडीशन ले लिया कि अपने पास जो करंट है और जो एरिया है, वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया है, करंट और वेक्टर एरिया है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा। जो अपने पास करंट है और जो वेक्टर एरिया है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्ट कितना आता है, ये अपने को इसमें कंफर्म करना है कि ऐसा होता कि नहीं होता है। उसके लिए मैंने मान लो अपने पास एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर, और इसका एरिया हो गया साहब ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना इसका ए है। मैंने लास्ट टाइम पर भी आपको बताया था कि जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है वो वेक्टर एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसमें फ्लो ऑफ करंट हो गया, ये
ये फ्लो ऑफ है, करंट हो गया और ये आपका वेक्टर के लिए हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है सर, क्या है परपेंडिकुलर है, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जे इक्वल टू आई अपॉन कैपिटल ए आएगा। यहाँ पे जो कैपिटल ए है, यहाँ पे वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया हमेशा वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको कई बार बताया इस चीजों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है करंट अपॉन एरिया के रूप में होती है। कोई भी आपने कंडक्टर लेना है, उस कंडक्टर में करंट को फ्लो करना है, वो कंडक्ट फ्लो जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर वेक्टर के रूप में चलेगा कि फॉर्म में चलेगा, तो वो करंट डेंसिटी होती है अपने, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना, आगे फॉर्मूला अपने पास आएगा। तो मैंने आपको भी एग्जाम्पल ये समझाया है कि इनमें से तीनों कंडीशन में से कौन से आएंगे वो मैंने बता दिया। देखो ये पानी का बहाव है, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इसमें बह रहा है, इसमें इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, एरिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन बह तो पानी रहा ना, तो वही चीजें इसमें। अगर आपको कंडीशन ये दे दें कि आई और ए है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर नहीं हो, एडजस्ट नहीं करते हो, अगर मान लो एंगल पे, एंगल के फॉर्म में हो, तब कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। देखिए इसमें सेकंड कंडीशन आती है, एंगल के फॉर्म में अगर अपन रिजल्ट लेते हैं तो वो कितना आएगा, वो समाधान से उसमें अपन ने ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो है और ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इसने एंगल बना लिया है थीटा, ये अपने पास हो गया वेक्टर ए, वेक्टर ए के रूप में ये एरिया हो गया, ये इसका क्या है एरिया है, ये आपके पास करंट हो गया, ठीक है। ये सपोज कर लो कि एंगल बना रहा हो, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो आपको पता है जिसके साथ एंगल बनेगा वो किस में आएगा, हमेशा कोस में आएगा, z इक्वल टू आप लिखोगे तो क्या आएगा, आई अपॉन ए कोस थीटा, आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं है कोई भी, आपने जो कंडक्टर लिया है वो परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा एंगल पे एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट ये आ जाएगा फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको अपन करंट डेंसिटी के रूप में बोलते हैं। करंट डेंसिटी के फॉर्म में जो अपने पास आगे रिजल्ट निकल के आएगा, अकॉर्डिंग टू ओमिक लॉ प्रूव दैट इन स्मॉल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जे इक्वल टू सिग्मा ई, उसमें अपने को रिजल्ट कम में आएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे आपको बताता हूं कि जो ओम्स लॉ होता है वो आपने 10th बेस पे पढ़ा था, उसको अपन थोड़ा सा यहाँ डीपली लेंगे, जो ओम्स लॉ है उसको, जो ओम्स लॉ है उसको यहाँ अपन लेंगे, 10th बेस पे अपने पास आया था। तो ओम्स लॉ को क्लियर करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वैल्यू बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ओम्स लॉ है उसमें अपने पास एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, बैटरी, इनकी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए अपने को मैं एक यहाँ सर्किट बता देता हूँ आपको, पहले ओम्स लॉ बताता हूँ फिर मैं सर्किट से इसको क्लियर करवाता हूँ। ओम्स लॉ मीन्स मतलब होता है कोई भी आपने कंडक्टर ले लिया, ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, आपने इस पे वोल्टेज अप्लाइड कर दिया, वो कर दिया डेल्टा वी, आपने डेल्टा वी वोल्टेज सप्लाई कर दिया इस कंडक्टर को, तो उस टाइम पर उसमें करंट फ्लो हो रही है वो डेल्टा आई है। तो वो वोल्टेज में और जो करंट में रिलेशनशिप होता है वो साइमन जॉर्ज ने बताया था शुरू में, उसने क्या बताया था कि सम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट रखना होता है, सेम रखना होता है, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि करंट जो फ्लो हो रही है उस कंडक्टर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 10th बेस पे है, आपके थोड़ा सा ध्यान रखना इसको,
यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i है, तो नया कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट v और i पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ये मेन चीज है इसमें समझने लायक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम और आप कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट, लाइक एज आप बोल सकते हो, लाइक एज आप बोल सकते हो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये कोई भी कंडक्टर आपके सामने है, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको क्या करना है, हमेशा सेम रखना है। ठीक है, मेन मकसद इसमें क्या, देखो टेंथ बेस पे आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें ज्यादा कोई इंपोर्टेंस इसकी है नहीं यहां, लेकिन यहां है। यहां किस प्रकार से है कि जो रेजिस्टेंस आएगा आपके पास से, वो क्या वास्तव में ही वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है नहीं करता, या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिन पर वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है तो क्यों करता है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको अपन ने कॉन्स्टेंट कर दिया, उसके बाद में वोल्टेज अप्लाइड करोगे तो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये जो एंड है ये किनारे हैं उन पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ध्यान से यहां पे जो आपने पोटेंशियल अप्लाइड किया है एंड्स ऑफ कंडक्टर, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसमें जो करंट बह रही है, जो करंट फ्लो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोबारा से सुनो एक बार इसको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट लाइक टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर और डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी प्रोपोर्शनल आई और वी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, इसको अपने नाम क्या दे दिए यहां पे, रेजिस्टेंस नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। दोबारा से सुनो, ये देखो ओम्स लॉ जो है इसमें, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो ये एंड है इसके किनारे है कंडक्टर पे, इस पे पोटेंशियल अप्लाइड आप करोगे उस टाइम पर जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे जो आर है इसका मतलब, अब आपके दिमाग में आएगा कि आर किस पे डिपेंड कर रहा है, वी और आई पे डिपेंड कर रहा है, आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, आर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैटर और टेम्परेचर। टेम्परेचर किस प्रकार से डिफरेंस आएगा इसका, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो रेजिस्टेंस पे क्या रिजल्ट आएगा, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, आप टेम्परेचर को जीरो रखोगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, आप टेम्परेचर को नेगेटिव करोगे
तो रिजल्ट कितना आएगा? एक कोफिशियंट होता है इसमें, आगे चल के आएगा एक कोफिशियंट आएगा जिसको अपन अल्फा के नाम से नोट करेंगे, तो वो अल्फा किस पे डिपेंड करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज उन्हीं कही है कि आर है वो भी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, बताऊ आपको। तो वी को किस में लिखते हैं अपन? वोल्ट में लिखते हैं। आई को किस में लिखते हैं अपन? एम्पीयर में लिखते हैं। और रेजिस्टेंस को अपन ओम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओम हो जाएगा। डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हो आप इसको, वोल्टेज और करंट के रूप में निकालेगा, काफी निकलवाएगी क्लास में। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको इस चीज को ले जाएगी। ये प्रैक्टिकली वैल्यू भी है और थ्योरेटिकल भी है, दोनों ही है इसमें, ठीक। आर है वो किस पे डिपेंड करता है वो क्लियर हो जाएगा इससे। देखना इसमें एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। आर इक्वल टू वी अपॉन आई अपॉन ए लिखा है। यहां पे मैं एक सर्किट कनेक्ट कर रहा हूं, ये रियल स्टेट हो गया। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये रेजिस्टेंस वाई हो गया, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये की हो गया आपके, और ये बैटरी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये किसको शो करता है? बैटरी। यहाँ पे ये जो है ये की को शो करता है। जब इसमें आप डॉट लगा दोगे तो ये क्लोज की हो जाएगी, नहीं तो ओपन है, ठीक है। ये हमेशा होता है एमीटर, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें कनेक्ट होगा? सीरीज में। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो किसमें कनेक्ट होगा? हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। और ये बड़ा है इसको बोलते हैं रियल स्टेट, रियल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट, फ्लो करंट, ये चीजें अपने को इसमें जरूरत होती है, ठीक है। V का मान सेम होगा, I का मान सेम होगा, तो R का मान सेम होगा, ये कंडीशन होती ही नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें जब आप एमीटर की वोल्टमीटर की रीडिंग लेते हो तो उसमें एक लिस्ट काउंट निकल के आता है। जो एमीटर जो वोल्टमीटर होता है उसमें एक लिस्ट काउंट निकल के आता है। वो लिस्ट काउंट किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। एक अपने पास एमीटर होता है, एक वोल्टमीटर होता है, उसमें लिस्ट काउंट निकल के आती है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन के रूप में, ठीक है ना। एक घड़ी सी होती है उसमें रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, कि एक जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं अपन। लिस्ट काउंट कैसे निकल के आएगी? एक खाने में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो उसकी लिस्ट काउंट है। तो उसको अपन जब डिनोट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास एक में यहाँ पे बढ़ा रहा हूं एक खाना, इसमें मैंने V वोल्ट में लिया है, I इसमें मैंने एम्पीयर में लिया है, और R इक्वल टू V अपॉन I मैंने ओम में लिया है। तो यहाँ लिस्ट काउंट निकल के आती है, लिस्ट काउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, लाइक एज एमीटर है, वोल्ट मीटर है, आप उसमें लिस्ट काउंट निकालते हो, लिस्ट काउंट, तो उसमें निकल के आती है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये रेंज हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन कितना आएगा तो उसके हिसाब से इसका रिजल्ट आता है। अगर एमीटर है तो ए लग जाएगा, वोल्ट मीटर है तो बी लग जाएगा। जैसे मान लो आपने इसमें की में प्लग लगाया, की में प्लग लगाओगे तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन आएंगे, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन आएंगे। सपोज कर लिया इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 15, और इसमें कितने आ गए? 5। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 20। इसमें कितने आ गए? 7। तो नंबर ऑफ डिवीजन से लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना होगा, 20 × 0.05 यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15×75, और ये हो जाएगा 20×5 = 100। ये हो जाएगा 5 × 0.05 = 0.25, 7 × 0.05 = 5, 7×5, ठीक है।
तो यहाँ आर इक्वल टू मान निकालोगे तो 0.75 अपॉन 0.25 लगभग कितना आ गया 3 ओम, यहाँ कितना आ गया 100 अपॉन 35, इट मीन्स कितना हो गया 7 × 14 = 6, 7 × 56 तो नियर अमाउंट कितना हो गया 3 ओम हो गया। तो इसका मतलब कि आर क्या आ रहा है, आर इज सेम आ रहा है, आर क्या आ रहा है इसमें सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी है, वो इसमें क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो वोल्टेज अपन ने जब अपने की लगाया तो वोल्टेज का रिजल्ट निकल के देख रहा है अपन, और आई का निकल के देख रहे हैं, और आर इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई होता है। तो ये आर इक्वल टू वी अपॉन मैंने क्या बताया था, उन लोगों में जो सम फिजिकल कंडीशन है उनको क्या करना है कॉन्स्टेंट रखना है, जैसे रूम टेम्परेचर है, लेंथ है, अगर आप बार बार उसकी लेंथ चेंज करोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो उस प्रकार के जो रिजल्ट आएंगे वो आपके सामने है। तो जो आर है यहाँ पे वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आर सेम आ रहा है, किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं, किस प्रकार से नहीं लेते हैं, ये टेन बेसिस का है। ये पहले अपने को लिस्ट काउंट निकालने होंगे, इसमें लिस्ट काउंट निकालने के बाद में लिस्ट काउंट रेंज ऑफ नंबर ऑफ डिजिट एक खाने में कितनी करंट फ्लो हो रही है, जो एमीटर वोल्ट मीटर है उसमें आपने लिस्ट काउंट जब निकाला तो एक खाने में कितनी करंट फ्लो हो रही है, दो खाने में कितनी हो रही है, तीन में कितनी हो रही है, चार में कितनी हो रही है, वो अपने को निकालना है। तो अमूमन जो रेजिस्टेंस होता है वो अमूमन क्या होता है इक्वल आएगा इसमें, तो ओम्स लॉ क्या हो गया वेरीफाई हो जाएगा। अब दूसरी बात हो इसमें कि यहाँ पे जो आर इक्वल टू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 8 से यूनिट इज ओम ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो डिपेंडेंस ऑन लेंथ हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑफ लेंथ, जैसे मान लो ये अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप या फ्री इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो अकॉर्डिंग टू लेंथ मोशन कर रहे हैं, इधर भी अकॉर्डिंग टू लेंथ मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा लेंथ आ जाएगा, क्या जाएगा लेंथ आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया लेंथ हो गया। दूसरा एरिया की बात करें अपन, एरिया पे किस प्रकार से डिपेंड होगा, तो सपोज कर लो कि एक ये छोटा कड़क है, छोटा कड़क है यहाँ 20 ओम खड़े हैं, ठीक है, और एक यहाँ एक मोटा कड़क है यहाँ पर 20 ओम खड़े हैं, देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो 20 लोग हैं तो रास्ता चौड़ा खाने का, तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, एरिया कम हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ एरिया क्या है ज्यादा है, इसके कंपेरिजन में यहाँ आप इजीली फ्लो कर सकते हो, उसमें घूम सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर किस पर डिपेंड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड है, वो किस प्रकार से है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ऑपोजिट चल रहे हैं, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया ए हो गया। इस रिजल्ट को इस रिजल्ट को दोनों इक्वल रखोगे तो रिजल्ट आएगा आपका एल अपॉन ए, तो आर इक्वल टू हो गया रो एल अपॉन ए। ये क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको आप रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब यह जो रेजिस्टिविटी है इसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, इफ एल इक्वल टू 1 मीटर हो गया और ए इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो रो किसके इक्वल है आर के इक्वल है।
इसका मतलब है ये जो रो है वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो रो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा क्या करेगा, नेचर ऑफ मैटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर कितना है। अब अपन बात करें यूनिट की, तो ये हो गया ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा प्रिंसिप, तो क्या हो गया ओम इनटू मीटर हो गया। तो जो रेजिस्टिविटी है इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी आपने कंडक्टर लिया है उसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां तो डिपेंडेंस है रो इक्वल आर है, तो आर जिस पे डिपेंड करेगा वो भी उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे होगा, नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड कैसे होगा, वो मैं अगले पीरियड में आपको करवाऊंगा।